गंदचेरा पुलिस ने बगैर दस्तावेज के अवैध रूप से त्रिपुरा में प्रवेश कर रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। गंदचेरा पुलिस ने बिमल चकमा नामक एक व्यक्ति के घर पर अचानक छापेमारी की और इन 5 लोगों को हिरासत में ले लिया। इनमें 3 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इनकी पहचान विपन चकमा, चंद्रशेखर चकमा, आनंद सागर चकमा, विपनी चकमा और धनवीर चकमा के तौर पर की गई है। 5ों ने 10 अगस्त को चापलिंगचारा सीमावर्ती क्षेत्र से त्रिपुरा में प्रवेश किया था और पिछाड़थल में अपने रिश्तेदार के घर पर रुके हुए थे। पुलिस ने इनके पास से 56,750 बांग्लादेशी नकद जब्त की है और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। घूमने के लिए उन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइक पासपोर्ट और वीसा कुछ भी नहीं है, तो हमने इधर सर्च किया है। सर्च करने से उन लोगों के पास से 56,750 तक रुपया, बांग्लादेशी रुपया मिला है। तो एकॉर्डिंगली हम लोग उन लोगों को डिटेन किया और पीएस में ले गया। उनका अगेंस्ट में एक केस बना है, केस नंबर 39/18 अंडर सेक्शन 3 ऑफ पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट, और विमल चकमा के अगेंस्ट में केस डाला है। उसके अगेंस्ट में 212 IPC सेक्शन में केस रजिस्टर। दिल्ली से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों को शिलांग की नदी में विसर्जित करने के लिए शिलांग लाया गया है। अटल जी की अस्थि कलश को बीजेपी के कार्यालय में रखा गया है। उनकी आत्मा की शांति के लिए ऑल फेथ प्रेयर मीटिंग और सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान बीजेपी नेता नलिन कोहनी ने कांग्रेस नेता करुणा शुक्ल की निंदा करते हुए कहा कि वह अस्थि कलश यात्रा को राजनीतिक जामा पहनाने की कोशिश कर रही है, यह राजनीति से कोसों दूर है। इससे पहले शुक्रवार को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी तथा कांग्रेस नेता करुणा शुक्ला ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि पार्टी वाजपेयी जी की मृत्यु को लेकर राजनीतिक मुनाफा कमाने का प्रयास कर रही है। आज अस्थि कलश को रिलगांव के उमशिरपी नदी में विसर्जित किया जा रहा है। सो आई थिंक व्हेन अटल जी पास्ड अवे इट वाज अ लॉस ऑफ वन ऑफ द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव आल्सो सीन द काइंड ऑफ होमेज एंड रिस्पेक्ट एंड अफेक्शन दैट ही गॉट अक्रॉस द कंट्री। टेकिंग हिज लास्ट रिमेन्स इन टर्म्स ऑफ द एशेस to different states across the country is an opportunity for those who loved him, had affection for him, wished to pay their respects now that he is no longer with us, between us. It was an opportunity for that. And we thank everyone who has joined in this Shraddhanjali or homage in the all prayer meeting that took place, that someone's trying to politicize it. We believe that this entire thing is far beyond politics, far above politics. Remind everybody that she's related to Atalji, but she parted ways with the BJP several years ago. She is a Congress, she I think contested elections also on the Congress ticket, if I recall. So she's trying to politicize it. She's, that is to be asked of her. We don't see this as a political. We have fixed a program today, right from 10 o'clock in the morning, that we call all the party karyakarta, the BJP workers, to come to party office and pay tribute, the last tribute to late Vajpayee ji. Yeah, today, as you all know, the party BJP has invited all the political parties as a mark of respect to the departed leader, Sri Atal Bihari Vajpayee, who was the Prime Minister of India for 3 terms. And as party representatives, we have also come to pay our respect, because today I believe that the ashes of the late Prime Minister, A.V. Vajpayee, had come to Shillong, and it will be immersed
in the Om Sharpi River. So we have also come to pay our respect to this great leader of the country. नागालैंड सरकार का मुख्य लक्ष्य है साल 2025 तक प्रदेश को दीर्घकालिक कृषि और खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही जैविक उत्पाद उपलब्ध कराना। इसी उद्देश्य के तहत राज्य के कृषि विभाग ने कोहिमा में वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आउटलेट खोला है। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन इस आउटलेट का सहयोग कर रहा है, जहां महज प्रमाणित जैविक उत्पाद ही बेचे जाते हैं। जैविक उत्पादों की मांग में वृद्धि के साथ राज्य सरकार ने इस वर्ष एक जैविक समिति गठित की है, ताकि जैविक मिशन के गठन की समीक्षा और प्रस्ताव रखा जा सके, जो अभी भी प्रगति पर है। This is, as I said earlier, this is just the beginning, and our state government policy is also to bring up this organic machine in the state. So in accordance with the policy of the state government, our department is also taking this thing very seriously to promote organic cultivation, organic products in the state. And this outlet will also slowly expand to other districts. And we are also looking for partners in other states, like metropolitan cities like Calcutta, Delhi, where we can send our products there for sale. This outlet, it is an initiative of the department, but the sole owner of the outlet is the Kohima District Organic Farmers Producer Organization Cooperative Society. And in that farmers producer organization, we have now we have registered around 500 farmers. Okay. So they have an association, and they are the sole owner of the this outlet. So the producer themselves, the farmers themselves, are the owner of this shop. Dia tak tu bosi dia dawa ikut na chulai. Aro grass la dawa bi mana bisi chulai sa dawa chikan dito. Le itu kan bi na chulai. Itu kan vegetables, fruits kan ge nahali lewi grass la saman hali itu lagai le sob de jai na. Eki hawa tu khase pani kan itu kan sob bon hoshi de. Manu tu maha na bosi manu itia tak tu bisi bisas ta ge. Bosi la nam kushi kole na. Oh itu bosi tu dawai na chulai goi na saman tu kushi pai ne loi. Aru konoma la bosi kan bi takana product tu balase. Takana fertilizer can be natural resources na takana kiki kan bishi bala se aru jungle la saman kan bi bishi bal bala se mahan hafta de dui bar order gure. मिजो छात्र संघ ने इलेक्ट्रिक वैंग वाईएमए हॉल में सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया है। पर्यटन मंत्री जॉन रोटलुआंग लियाना ने दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आज शाम कला तथा सांस्कृतिक मंत्री आर रुमाविया समापन समारोह में उपस्थित रहेंगे। सांस्कृतिक प्रतियोगिता में मिजोरम के सरकारी हरभंगा कॉलेज, टी रोमाना कॉलेज, आइजोल वेस्ट कॉलेज, साइचुअल कॉलेज समेत मिजोरम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। दो दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन समारोह आज शाम वनापा हॉल में होगा, जहां मुख्य अतिथि आर रुमाविया विजेताओं में पुरस्कार वितरित करेंगे।